में रानी के महल की 5 मंजिलें पानी में डूबी हुई है, 2 ही मंजिलें बाहर है, पर हाय रे दुर्भाग्य, कौन बताए बच्चों को रानी का सतीत्व और साहस। तालाब घूमने आए तो फोटो खिंचवा कर चल दिए, क्यों कैसे कब किसने महल बनवाया था जानना ही नहीं चाहा। लड़कियां तालाब के साथ महल के साथ सेल्फी लेती है, हैशटैग नेचर लवर के साथ स्टोरी डालती है, किंतु उस भारत माँ की प्रेमी बेटी का इतिहास नहीं जानना चाहती। भोपाल में बने भारत के सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। पहले इसका नाम हबीबगंज था। रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मात देता है, लेकिन हम स्टेशन की भव्यता की नहीं उसकी दिव्यता की बात करेंगे, और दिव्यता स्टेशन में नहीं स्टेशन के नाम में है। जब भोपाल के इस स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखे जाने का समाचार लोगों ने सुना तो शेष भारत तो छोड़िए, बाकी MP को भी जाने दीजिए, केवल भोपाल के नागरिकों को ले लीजिए, उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि ये रानी कमलापति कौन थी। भोपाल का तो नवाबों से रिश्ता है, भोपाल में किसी हिंदू राजा का नाम भी सुना तो राजा भोज का सुना, तो फिर ये रानी कमलापति कौन है। और यदि स्टेशन के नामांतरण के बाद यह प्रश्न आपके भी मन में आया होगा तो समझिए कि पिछली 1 सदी के षड्यंत्र के परिणाम आंशिक रूप से ही सही लेकिन आपके मन पर भी हुए हैं। वे हमें हमारी जड़ों से काटना चाहते थे, और कुछ भी कहो वे कुछ ना कुछ तो सफल हुए ही हैं। खैर, रानी कमलापति कौन थी, तो उन्हें मध्य प्रदेश की पद्मावती भी कह सकते हैं। जैसे पद्मावती ने अपने सम्मान के लिए जौहर किया, वैसे ही रानी कमलापति ने सम्मान के लिए जल समाधि ले ली। 16वीं सदी में भोपाल पर हिंदू गोंड राजाओं का शासन था। कमलापति राजा निजाम शाह की पत्नी थी। भोपाल के पास गिन्नौरगढ़ से राज्य का संचालन होता था। फिर गद्दी का मोह परिवार के लोगों में आया। राजा निजाम शाह का भतीजा नाम आलम शाह, जिसका बाड़ी पर शासन था, उसके मन में आया गिन्नौरगढ़ हड़पने का विचार। लड़ तो सकता नहीं था बेचारा, तो दूसरी टाइप की हरकत की, निजाम को खाने पर बुलाया, खाने में जहर मिलाया और राजा को परलोक पहुंचाया। विधवा रानी अपने सम्मान की रक्षा के लिए बेटे नवल शाह को लेकर गिन्नौरगढ़ से भोपाल आ गई। भोपाल के छोटे तालाब के पास रानी का महल था। रानी ने अफगानिस्तान के मोहम्मद खान से अपने पति के हत्यारे आलम शाह को मारने के लिए कहा। मोहम्मद 1 लाख रुपए के बदले ये काम करने को तैयार हुआ। उसने आलम शाह को मौत के घाट भी उतार दिया, पर रानी के पास धन की व्यवस्था ना हो पाई, इसलिए रानी ने भोपाल का एक हिस्सा मोहम्मद को दे दिया। किंतु कुछ समय बाद मोहम्मद का भी स्वार्थ बढ़ा, वो पूरे भोपाल पर कब्जा करना चाहता था, और इससे भी बुरी बात कि रानी पर उसकी कुदृष्टि थी। इसके कारण रानी के चिरंजीव नवल शाह, जो बड़ा हो चुका था, उसके और मोहम्मद खां के बीच युद्ध हुआ। युद्ध अत्यंत भयानक था, इतना कि जिस घाटी पर युद्ध हुआ वो खून से लाल हो गई, और भोपाल में आज उसे लाल घाटी कहते हैं। नवल शाह का बलिदान हो गया, केवल 2 लोग बचे। उन्होंने घाटी से काला धुआं छोड़ा। महल में बैठी रानी इसका अर्थ समझ गई। उन्होंने तालाब का रास्ता अपने महल की ओर करने के आदेश दिए। रानी संपूर्ण वैभव के साथ महल के सबसे नीचे वाले तल में जाकर बैठ गई और जल समाधि ले ली। इसे जल समाधि की जगह जल जौहर भी कह सकते हैं। जैसे रानी पद्मिनी के साथ अगणित महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को आग को समर्पित किया, वैसे ही रानी कमलापति ने अपने सम्मान के लिए स्वयं को जल को समर्पित किया। आज भी रानी के महल की 5 मंजिलें पानी में डूबी हुई है, 2 ही मंजिलें बाहर है, पर हाय रे दुर्भाग्य, कौन बताए बच्चों को रानी का सतीत्व और साहस। तालाब घूमने आए तो फोटो खिंचवा कर चल दिए, क्यों कैसे कब किसने महल बनवाया था जानना ही नहीं चाहा। लड़कियां तालाब के साथ महल के साथ सेल्फी लेती है, हैशटैग नेचर लवर के साथ स्टोरी डालती है, किंतु उस भारत माँ की प्रेमी बेटी का इतिहास नहीं जानना चाहती। ऐसी ना जाने कितनी कमलापतियों का, बुद्धू भगतों का इतिहास उस महल की तरह ही अंधेरे में डूबा हुआ है। उन पर अब प्रकाश जाने लगा है, लोगों के कारण, सरकारों के कारण, और दुनिया उससे आलोकित होने लगी है। वरना देश में 6 से ज़्यादा महापुरुष ही नहीं हुए, ऐसा लगने लगा था। हर नगर में, हर गांव में बस उनके ही नाम के संस्थान, चौराहे सब हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोकल महापुरुषों के, हमारे क्षेत्रों के महापुरुषों के नाम के संस्थान बनने लगे हैं, और सत्य धीरे ही सही लेकिन प्रकट तो होने ही लगा है, उद्घाटित तो होने ही लगा है। धन्यवाद।